नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो पे मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा ये प्रोडक्ट। तो ये जो चीज है, ये अनोखा चीज है, इसके बारे में मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ। और इसे आप सब ध्यान से देखिए, स्ट्रेंजर कंपनी का ये चीज है और स्ट्रेंजर कंपनी का ये क्यूब भी है। स्ट्रेंजर कंपनी का क्यूब बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो ये जो चीज है खास तौर पर बेंजो बजाने के लिए बनाया गया है। मतलब हम लोगों के लिए अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो ये जो चीज है, हमें वहां पे स्ट्रेंजर ले जाने की जरूरत नहीं है। इस चीज से ही हम बेंजो को बहुत ही शानदार बजा सकते हैं। तो वो किस तरह से बजाएंगे, ये चीज मैं इस वीडियो पे आपको पूर्णता दिखाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो पे पूरा बताऊंगा कि मैंने इस चीज को आपके लिए क्यों लाया है। और इस चीज को अगर आप खरीदना चाहेंगे तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इस चीज की खासियत पहले आप जान लीजिए, क्योंकि ये चीज मैं यूज कर चुका और बहुत सारे लोगों ने इसको मुझे मांगा था। बाकी ये प्रोडक्ट हमारे पास खत्म हो चुका था और अभी ये प्रोडक्ट हमने ऑर्डर से 20 पीस बनवाया है। इसीलिए इस चीज के बारे में आप सबको बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं था, खत्म हो चुका था, तो मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया था। अभी ये चीज हमारे पास आ चुका है तो इसके बारे में मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और जानिए इस मशीन की खासियत। बहुत ही कम प्राइस है इसका और DD3 का मुकाबला ये करता है अगर हम बेंजो बजाते हैं तो, और बहुत सारा फायदा भी इसमें मिलता है। तो चलिए इसको जल्दी से खोलते हैं, यहां से यह मशीन खोल लेंगे। और इसके साथ हमें ये जो चीज है, ये स्ट्रेंजर कंपनी का वारंटी वाला लेटर है। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है हमको, एक फ्यूज मिलेगा। ये जो फ्यूज है, ठीक है, कैमरा में अगर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो दिखा दो। ये जो फ्यूज है ये एक्स्ट्रा मिलता है और ये जो फ्यूज है यहाँ पे, ये यहाँ पे लगा रहता है। तो अगर फ्यूज यहाँ आपका उड़ जाता है, अगर वो उड़ जाता है फ्यूज, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्यूज आपको इस वाले पॉलीथीन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस सब चीजों को यहाँ पे रख देते हैं और इसको मैं आपको बजा के आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीज यहाँ पे दिया है, माइक 1, माइक 2, माइक 3, यानी कि इन तीनों का जैक जो है वो पीछे साइड डालता है। ये इको का बटन है, ठीक है, ये इको का बटन है और ये जो है एफ बैक, डिले टेन और ये मास्टर, ठीक है। तो इसको कैसे सेट करेंगे इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए होगा तो मैं और दे दूंगा आपको जानकारी। और यहाँ जैसे कि पीछे साइड हम देखे हैं, पीछे साइड की हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है ये फ्यूज वाला हो गया और ये डीसी कनेक्शन भी है, यानी कि बैटरी में भी आप इसको चला सकते हैं आराम से। ये आउटपुट का है, यहाँ से हम आउटपुट देंगे। और ये है ऑक्स इन का और ये माइक 3, माइक 2, माइक 1 का, यानी कि जिस तरह से यहाँ पे माइक 1, माइक 2, माइक 3 दिया गया है उसका स्लॉट उस तरफ भी सेम टू सेम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑक्स इन का, माइक 1 का है, माइक 2, माइक 3। चलिए अब यहाँ पे इसको रख देते हैं। आप सबको जिस तरह से दिखाई दे उस तरह से यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, ठीक है। हालांकि आपको नजदीक से नहीं दिख रहा है कि मैंने कितने कितने में क्या सेट किया, इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे इस चीज को मैं रख देता हूँ और यहाँ से इसको चालू करते देखिए, ये इसका बटन ऑन हो गया। यहाँ पे ऑन ऑफ का और बटन दिया गया है, यहाँ से ऑफ करते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। अभी ये ऑफ हो गया और यहाँ से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये जो हमारा बेंजो का जो जेक है, बेंजो का जो जेक है इसको पहले, सबसे पहले मैं छोटे वाले अपने पिकअप पे बजा के इसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो छोटे वाले पिकअप का मैं इसको माइक 1 पे डाल दूंगा, ठीक है, माइक 1 पे डाल दिए। सब कुछ आपके सामने मैं कर रहा हूं, देखिए ये छोटा वाला पिकअप है, इसका जेक गया है, इसका जेक गया माइक 1 पे, माइक 1 पे इसका जेक हमने डाल दिया, ठीक है। और ये स्ट्रेंजर का बॉक्स है, इसको भी अब चालू कर देते हैं। चलिए इसको मैंने चालू कर दिया। अब देखिए स्ट्रेंजर का वॉल्यूम जो है पूरा कम है, बेस जो है पूरा कम है, मीड हमने बराबर रखा है, ठीक है, मीड हमने बराबर रखा है। और ये जो ट्रेवल है, ट्रेवल हमको आउटपुट से देना पड़ेगा, यानी कि इसमें ट्रेवल का सिस्टम नहीं दिया है, ट्रेवल हमको आउटपुट में देना पड़ेगा, ठीक है, जहां से हम कनेक्शन लेते हैं। इको जो है, इको लेवल मैंने पूरा खत्म कर दिया है, रेड जो है पूरा खत्म कर दिया है, तो यानी कि यहां से इको हमको नहीं मिल रहा है। ये बॉक्स हमने खाली आउटपुट देने के लिए लिया है और यहां से हमको ट्रेवल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ट्रेवल का सिस्टम नहीं दिया है, ये खाली इको मशीन है। इसमें आप माइक भी चला सकते हैं इको के लिए और इसमें बेंजो भी चला सकते हैं, लेकिन बेंजो बजाने के लिए सबसे बहुत बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। तो चलिए मैंने इस जेक का, पिकअप वाले जेक को मैंने इसमें डाल दिया
और इसका जो जेक है स्ट्रेंजर बॉक्स पे यहाँ पे जो मैंने डाला है उसका एक जो जेक है मैं इसके पीछे साइड आउटपुट वाले सिस्टम पे लगा देता हूँ। ठीक है, आउटपुट वाले सिस्टम पे मैंने लगा दिया। अब चलिए यहाँ पे हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसको हम यहां पे ये चीज लग चुका है। तो ये मास्टर यहां पे नहीं बढ़ा था, इस वजह से दिक्कत आ गया था। चलिए मास्टर भी यहां पे बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आवाज हमारा जो है ये खुल रहा है। वॉल्यूम को मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। अब इको सेट करेंगे, इको मैं हाफ रख देता हूँ। ठीक है, हाफ से थोड़ा कम। एप बैक जो है थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं और जो डिले टाइम है उसको इधर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है पूरा मैंने इक्वल लेवल सेट कर दिया। तो देखिए और यहां पे अगर हम बात करें बो चलाने का तो बो भी हमने छोटे पिकअप पे जैसे कि डाल रखा है इस चीज को। तो मशीन काम करता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पूरा सिस्टम बता दिया। हालांकि थोड़ा सा धोखा हो चुका था, मास्टर को मैंने आवाज नहीं बढ़ाया था और माइक का आवाज मैं बढ़ा रहा था, तो इस वजह से सिस्टम ऐसा है कि मास्टर को भी हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और माइक को भी थोड़ा सा हमको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे पूरा चीज मैं आपको दिखा दूं। जो आउटपुट हमको देना है यानी कि बाहर जो आवाज भेजना है उसका हम आउटपुट का यहाँ पे दिया गया है स्लॉट, वहां पे हम आउटपुट वाला जो जेक है लगा देंगे। उसके बाद ये आउटपुट मैंने इसमें दिया है, तो यहाँ पे ट्रेवल हमको वहां से लेना पड़ेगा जहां पे हमने आउटपुट दिया है। और ये माइक वन है, माइक टू पे भी हम कोई चीज डालकर इको लगा सकते हैं और माइक थ्री पे, जैसे कि मेरा यहाँ पे बड़ा वाला पिकअप का भी लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे बड़ा वाला, देखिए यहाँ पे बड़ा वाला पिकअप का जेक लगा है और ये बड़ा वाला पिकअप का जेक अगर मैं माइक टू में डालता हूँ और माइक वन का आवाज कम करके अगर माइक टू का आवाज मैं बढ़ा दूं तो भी ये सिस्टम से काम करेगा। अभी मैंने बड़े पिकअप पे डाल दिया। ठीक है, अभी मैंने बड़े पिकअप पे डाल दिया तो ये अभी झाला भी, तो
काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बड़े पिकअप और छोटे पिकअप दोनों का मैंने डाल दिया है, यहाँ से फिर बड़ा पिकअप बंद कर देंगे, फिर छोटा पिकअप डालेंगे तो अब ये झाला नहीं बजेगा, क्योंकि छोटा पिकअप में ये बज रहा है, और छोटा पिकअप में बजेगा तो ये बजेगा। अगर मैं बड़ा पिकअप का ऑन कर दूं और छोटा पिकअप का बंद कर दूं तो ये इसमें नहीं बजेगा। तो इस तरह से कुछ ये सिस्टम काम करता है, बहुत ही प्यारा मशीन है, बहुत ही अच्छा मशीन है। और इस मशीन का अगर आपको इस मशीन को लेना है तो ये मशीन आपका आएगा 2500 रुपए का, 2500 रुपए में ये मशीन मैं आप तक अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन अगर आप बाहर मंगाते हैं तो कुरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन का रेट ही, इस मशीन का प्राइस ही है 2500 रुपए, और 2500 रुपए में ये DD3 का मुकाबला करता है। और यहाँ पे अगर आप कोई भजन वजन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बेंजो का आवाज यहाँ पे लगा दीजिए, और 2 माइक भी आप यहाँ पे चला सकते हैं, ठीक है, या सिंगर के लिए या किसी और के लिए, और उसमें भी आप आराम से इको डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये मशीन का रिव्यू था, और इस मशीन पे बेंजो काफी शानदार बजता है, ये चीज भी मैंने आपको दिखा दिया।